ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वाणी प्रकाशन को देश की 17 भाषाओं में अलग अलग कालखंड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में जो कुछ भी उपलब्ध है उसे चार ग्रंथों के माध्यम से एक साथ प्रकाशित करने के लिए वाणी प्रकाशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अयोध्या शोध संस्थान और श्री योगेंद्र प्रताप सिंह का स्मरण हमारे सामने सहज ही हो पाता आ जाता है। श्री योगेंद्र प्रताप सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अयोध्या शोध संस्थान के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत के अंदर, दुनिया के अंदर कहां कहां पर राम की लीला पहुंची है, इन सब पर उनका विशद अध्ययन भी था और उनकी रुचि भी थी। ईश्वर उन दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। कोरोना कालखंड में उनका असमय निधन न केवल अयोध्या शोध संस्थान के लिए बल्कि सभी राम भक्तों के लिए अपूर्णीय क्षति है। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना मैं इस अवसर पर करता हूं। एक बात जो राम के बारे में आती है और मैं बार बार इसके बारे में भी सोचता हूं कि राम को जिसने जिस रूप में और जिस भाव से भजा है उसका श्री रूप में परिणाम भी निकला है। महर्षि वाल्मीकि अपने लौकिक ग्रंथ के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य की रचना करते हैं। त्रिकालदर्शी ऋषि हो गए, लोक पूज्य हो गए। बजरंगबली हनुमान जी राम नाम का जप करते करते राम काज में इतने व्यस्त हो गए कि लोक देवता हो गए। लेकिन राम का विरोध और राम के साथ कुटिलता जिसने भी की वह मनुष्य होते हुए भी उसको किस दुर्गति को प्राप्त होना पड़ा है। मारीच और रावण उसके दो उदाहरण भी हैं। मनुष्य के रूप में पैदा हुआ लेकिन मौत पशु के रूप में भी, यानी पशु के रूप में उसको मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। रावण जैसा विद्वान, जैसा पराक्रमी, त्रिलोक विजय की क्षमता होने के बावजूद राम से द्रोह किस दुर्गति को प्राप्त हो गया कि आज भी रावण के पुतले भारत के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी राम भक्त निवास करते हैं वहां पर हम सब देखते हैं। और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राम के बारे में जो बहुत एक राम को समझने के लिए उन्होंने एक पंक्ति बहुत कह दी, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म की जब हम बात करते हैं तो धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं होती है। धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है, हर देश हर काल हर परिस्थिति में जो हमें एक व्यवस्था के साथ जोड़ती है। वह व्यवस्था जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है, सदाचार है, नैतिक मूल्य है, कर्तव्य है,
इन सबसे जुड़ी हुई वो शाश्वत व्यवस्था को भारत ने धर्म माना है, इसमें उपासना विधि कहीं नहीं है। उपासना विधि व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न हो सकता है, कोई मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करता है, कोई अंधाकरण से करता है, कोई उसका जप की उसके तरीके अलग अलग होते हैं। उपासना विधि ही दुनिया के अंदर जितने मत, जितने संप्रदाय, जितने उपासना विधि विधियां होंगी सबके अलग अलग होंगे, उनके अलग अलग दर्शन भी होंगे। हर एक व्यक्ति अपनी उपासना विधि को श्रेष्ठ कहने का अधिकारी हो सकता है, लेकिन धर्म तो एक ही है और वह धर्म का साक्षात स्वरूप अगर कोई है तो वह राम है। यह महर्षि वाल्मीकि ने हम सबको हजारों वर्ष पहले यह एक बात उन्होंने कही और फिर राम को ही आधार मान करके उनके कलयुग के अवतार। संत तुलसीदास जी ने भी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कह दिया कि जहां सुमति तहां संपत्ति दाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। और मुझे लगता है कि ये अद्भुत कार्य ऐसे समय में वाणी प्रकाशन ने किया है जब 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को हटाते हुए भारत का नेतृत्व 135 करोड़ की आबादी की एक ताकत का एहसास विश्व मानवता को कराता हुआ एक अनसुलझे रहस्य को सुलझा बना करके, एक असंभव कार्य को संभव बनाते हुए नियति को अपने अनुसार संचालित करते हुए अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहा है। उस समय यह प्रकाशन और भी प्रासंगिक हो जाता है। मुझे लगता है कि भारत ही नहीं दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी निवास करते हैं या भारत के प्रति जिसके मन में थोड़ा भी आदर और सम्मान का भाव है, अनुराग का भाव है, उस हर व्यक्ति ने 5 अगस्त 2020 की तिथि को बड़े उमंग और बड़े उत्साह के साथ अंगीकार किया, एक दूसरे को शुभकामना दी, स्वतस्फूर्त भाव के साथ अपने घरों में दीप प्रज्वलन करके दीपावली के उत्सव को मनाया। यही तो भारतीय भाव है, यही तो सही भाव है और यही राम की विराटता भी है और उनकी विशालता भी है। मुझे एक बार बताइए कि टेलीविजन में आप लोग जो लोग राम को आज काल्पनिक कहते थे, एक समय में हमारे स्पीकर साहब ने उनके बारे में पहले इस बात को कहा कि आप टिकट कटा रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, अच्छी बात है, उन्होंने पहले कहा राम तो सबके। एक समय उन्होंने कहा था कि राम तो काल्पनिक है, कृष्ण तो काल्पनिक है। अगर एक काल्पनिक होते तो आप तो घरों में टेलीविजन में तमाम धारावाहिक रोज देखते हैं। आज देखा, एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक महीना, दो महीने के बाद विस्मृत कर देते हैं, कब कौन सा आया देख के लोग भूल जाते हैं। कमोबेश फिल्मों के बारे में भी लोगों के मन में यही बात होगी, लेकिन अपने समय में इतना लोकप्रिय धारावाहिक रामायण का होना क्या साबित करता है। और कोरोना कालखंड के अंदर भी हम देख रहे थे, लॉकडाउन जैसे लगा दूरदर्शन ने रामायण धारावाहिक प्रारंभ कर दिया, लगभग सभी चैनल की टीआरपी कम हो गई, राम दूरदर्शन की बढ़ गई। यानी आप देखते हो टीआरपी बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या था, रामायण सीरियल। और कई कई दृश्य तो ऐसे थे लोग मांग करते थे कि कल एक घंटा ये चला है, आज फिर इसको दिखाएंगे, व्यक्ति देखते देखते थक जाएगा। और ये केवल रामायण सीरियल में नहीं होता, रामलीला तो आप देखते होंगे हर वर्ष हर गांव में रामलीला होती है,
पात्र वही होते हैं, संवाद वही होता है, खेलने का तरीका वही होता है, लोगों को यह भी मालूम है कि अब क्या होने जा रहा है। लेकिन उस संवाद के साथ आत्मीयता, उस संवाद के साथ भारतीयता, उस संवाद के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो विराटता है, जो महानता है, उनके अवतरण की कथा है,